पीडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने बड़ी मेहनत की हम लोगों के जो फंसे हुए पैसे थे, और तहदिल से मैं सलाम करता हूं चौधरी साहब को जिन्होंने ये प्रोजेक्ट तो लिया था मगर ये दलदल में फंसा हुआ था। हम सब लोगों का जो परिवार था वो बहुत परेशान था, संघर्ष किया कि पिछले दो साल तीन सालों में सीसी ने भी बहुत कोशिश की इस प्रोजेक्ट को बनाने की, मगर शायद किसी वजह से फाइनेंशियली वजह से या किसी वजह से वो इसको नहीं सक्सेस कर पाए। हम सब ठेकेदारों ने बड़ी मेहनत की कि एचसीसी ने ये प्रोजेक्ट लिया है, ये कम से कम इसको बनाए, ये हमारी शान है एचसीसी, मगर एचसीसी को अपने ही मैनेजमेंट की वजह से जो ये सक्सेस नहीं हो पाए। तो मैं तहदिल से फिर नागर जी को शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हम सब परिवारों का ख्याल रखा, अपना पैसा देके, कुछ तो पहले फंसाया था ऐसे, कुछ अब प्रैक्टिकली फंसाया हमारे सामने पैसा करोड़ों में, इन्होंने अपने आप को रिस्क में डाल के इस प्रोजेक्ट को लिया। और इनका भी एक ख्वाब है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, ये रामन बामियाल स्टेच जो है ये बहुत डेंजरस स्टेच है, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को लिया, इनका भी ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। ये नागर जी का पूरा परिवार है, जितने भी यहां पे बैठे हुए हैं सारा परिवार है नागर जी का। गुलिस्तान फेसबुक लाइव में आप सबका खुशामदीद, और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ पी। जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो है एक लोगों के लिए कहीं न कहीं एक दर्द सर, जो लोग हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम हाथ में लिया था, और उसके बाद एक आशापुरा रोड लाइन्स जो कंपनी यहां बानिहाल के अंदर उन्होंने काम हाथ में लिया, उसके बाद थोड़ा सा जो तजाद बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके बीच में या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच में जो वक्फे से जो है गुलिस्तान चैनल के जरिए हमने आप तक पहुंचाई थी वो जानकारी सारी, और उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार का मानना था कि उनकी जो लायबिलिटी है उससे सभी जो रियासत लोकल जो नॉन लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो परेशानी में मुबतला है कि उनको भी आगे लायबिलिटी है। लेकिन बिलाकर आज की डेट में यहां पर एक अच्छी बात यह कि जमसर कौमी शाहरा पर रामबन बानिहाल स्ट्रेच में जो कम्प्लीकेसी थी जो पेमेंट के हवाले से उसको यहां पर हल किया गया है। तो मैं आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि नागर सिंह जी जो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर हमारे स्टेट के हैं उनको भी यहां पर ये जो है रामबन बानिहाल स्ट्रेच में जो काम मिला है, और जो एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो पीडी है इसाक जोसेफ साहब भी यहां पर है, और अलियास बानहाली और उनके साथ में जो देख रहे हैं जो भी लोकल और नॉन लोकल जो स्टेट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चूंकि जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलेगी तो उसके साथ में जमसर कौमी शाहरा जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में जो है वहां पर एग्जीक्यूशन का काम चलेगा। तो यहां पर जो आप आगे की जो कार्रवाई है किस तरह की होती है और क्या कुछ यहां पर नेगोशिएशन हुई है उसका पूरा जायजा जो है मैं आरिफ भी आप तक लाने की कोशिश करूंगा, आप हमारे साथ हैं अपने पीडी साहब के, कि उन्होंने यहां इस क्वारंटाइन के हालात में चार महीने देकर हम सब ठेकेदारों का हिसाब कर दिया, और उसके बाद हम बड़े मशकूर ममनू हैं मोहतरम चौधरी साहब के जिन्होंने अपने सर ये पैसे लेकर हमें अदायगी का वादा किया। दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ये लड़ाई हमारे साथ होकर एचसीसी के साथ बैठे धरने पर तीन महीने से इस लड़ाई में शुरुआत स्ट्रगल की, आज किसी मुकाम तक वो बात पहुंची है। उस बात के हवाले से आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब, तमाम जो भी इस वक्त तक रिटर्न में हुआ है वो सब कुछ सुनाएंगे, और जो आज तक जैसे ये काम चला है उस काम का पूरा अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। और मैं दावत देता हूं इलियास वानी साहब, पीडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने बड़ी मेहनत की हम लोगों के जो फंसे हुए पैसे थे, और तहदिल से मैं सलाम करता हूं चौधरी साहब को जिन्होंने ये प्रोजेक्ट तो लिया था मगर ये दलदल में फंसा हुआ था। हम सब लोगों का जो परिवार था वो बहुत परेशान था, संघर्ष किया कि पिछले दो साल तीन सालों में सीसी ने भी बहुत कोशिश की इस प्रोजेक्ट को बनाने की, मगर शायद किसी वजह से फाइनेंशियली वजह से या किसी वजह से वो इसको नहीं सक्सेस कर पाए। हम सब ठेकेदारों ने बड़ी मेहनत की कि एचसीसी ने ये प्रोजेक्ट लिया है, ये कम से कम इसको बनाए, ये हमारी शान है एचसीसी,
मगर एचसीसी को अपने ही मैनेजमेंट की वजह से जो ये सक्सेस नहीं हो पाए, तो मैं तहे दिल से फिर नागर जी को शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हम सब परिवारों का ख्याल रखा, अपना पैसा देके, कुछ तो पहले फंसाया था ऐसे, कुछ अब प्रैक्टिकली फंसाया हमारे सामने पैसा करोड़ों में, इन्होंने अपने आप को रिस्क में डाल के इस प्रोजेक्ट को लिया। और इनका भी एक ख्वाब है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, ये रामन बांगियाल स्टेज जो है ये बहुत डेंजरस स्टेज है, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को लिया, इनका भी ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। ये नागर जी का पूरा परिवार है, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारा परिवार है नागर जी का। ठेकेदार भाइयों के साथ जो चौधरी साहब की तरफ से एक सौगात है, पैगाम है, क्योंकि हमने मजदूरों से लफ्ज किया था, चौधरी साहब ने हमें वादा दिया है कि मसला और जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथियों के पास था कि एक कंपनी हमारी यहां से चली गई, उनकी हालात खराब होगी, उसका नाम है आशापुरा रोड लाइन्स। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि वो फोकस करेंगे आशापुरा रोड लाइन्स के हवाले से, जो हमारी कमेटी ने और मैनेजमेंट ने, दोनों कंपनीज ने, एचसीसी और सीपीपीएल ने जो फैसला लिया है, मैं बाद में ये प्रेस के साथ शेयर भी करूंगा। उसमें यह बताया गया है कि चौधरी साहब ने उस कंपनी का जितना पैसा देना है, फिलहाल 12 करोड़ के आसपास उसका सेटल्ड हुआ है, जितना देना है वो भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो देने को तैयार हो गए और रजामंदी भी दे दी। उसके लिए ठेकेदार भाइयों को एक हिदायत है कि वो जब यहां पर आशापुरा विद इन डेज आएगी, अपनी बिलें तमाम सबमिट करा के, जो दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट होगा, दोनों का इस पे ठप्पा लगेगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली सेकेंड फेज में उनकी पेमेंट भी होगी। लास्ट पर मैं ज्यादा न कहते हुए, सुबह से आप तमाम साथी इंतजार कर रहे थे, आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चौधरी नागर सिंह साहब को बानिहार रामबन के कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, और जो यहां पर आपके सिपा सलारों की फौज तैयार है, सर मैं आपकी तरफ से लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, और कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से एक जो चैलेंज आप दिल्ली में बैठ के लेके आए हैं कि आप 9 महीने के अंदर अंदर जो आपने टारगेट फिक्स किया है, हम जोरदार तालियों से आपको वादा देते हैं, दिन रात काम करके, जो हमारी वजह से धरना भी लगा, कुछ गुस्ताखियां भी हो गई, उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं पब्लिकली, पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से माफी चाहते हैं। जो हमारा सेटल्ड पैसा है, जो चौधरी साहब ने एडवांस पैसा दिया है, जितना एचसीसी को देना मतलूब था, उसके अलावा जो एडिशनल फंड चौधरी साहब देंगे, वो चौधरी साहब एग्री हो गए हैं और उन्होंने उस पर अपनी मोहर लगा दी है, वो पैसा इंशाल्लाह रहमान परसों से देना शुरू कर देंगे। उसके बाद एचसीसी की तरफ से एग्रीमेंट कॉपी ये आई है, सीरियल नंबर 1, कि इनकी जो बीजी है या जो इनका रिटेंशन मनी है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर चौधरी साहब को प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद वो उसके हवाले कर देंगे। मैं चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूं, इनके बड़ेपन को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ठेकेदारों के लिए पहल की और इस कौमी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सामने आए। अपने पीडी साहब के कि उन्होंने यहाँ इस क्वारंटाइन के हालात में 4 महीने देकर हम सब ठेकेदारों का हिसाब कर दिया, और उसके बाद हम बड़े मशकूर ममनू हैं मोहतरम चौधरी साहब के, जिन्होंने अपने सर ये पैसे लेकर हमें अदायगी का वादा किया। लिखकर दे दिया था कि ये काम मैं नहीं करूंगा, क्यों मुझे पता है जहां कोई काम नहीं कर सकता। एचसीसी 125 साल पुरानी कंपनी है, जब वो फेल हो गई, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूं और ना मैं एचसीसी से काम लिया, मुझे एनएच ने बुलाकर काम दिया है। क्यों? मैंने गैमन में काम किया, गैमन के फंडिंग की, उनका काम भी खत्म किया, वो मैसेज वहां एनएच को गया, उसी वजह पर उन्होंने मेरे को चुना, तो मैं ये काम शुरू किया। जब मैंने काम शुरू किया, जब उन लोगों ने काम दिया, उसके बाद कोरोना हो गया, 4 महीने तो कोई काम चला नहीं, हमारा काम चलता रहा। हमने कैसे भी किया, ठेकेदारों ने पूरी मेहनत करके काफी हमने काम खींचा, तो हमारे को ना पेमेंट ना कोई चीज, ठेकेदारों का मैं एक एक पैसा दिया, किसी का कोई पैसा देना है कोई बता दे, आज तक हमारी तरफ से वो नहीं है। मगर जब मुझे कुछ नहीं मिला, पेपर सैंड नहीं, कुछ नहीं, तो उसके बाद मैंने लिख कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपना टेंडर डाल के दोबारा काम ले सकता हूं। उसके बाद मुझे
उन्होंने दिल्ली बुलाया एनएच ने, दिल्ली बुलाकर उन्होंने कहा कि आपको आपके नाम पर बिल बनेगा, आप बिल बनाओगे, आपके नाम पेमेंट होगी, एससीसी का कोई लेना देना नहीं, आप जाकर काम करो, आपको कोई जरूरत नहीं। मैं वहां ही बैठकर फोन किया लोगों को और लोगों ने उसी टाइम काम शुरू कर दिया, आज वो चीज है कि हम इस स्थिति में है कि मैं 9 महीने का चैलेंज लेकर आया हूं कि मैं 9 महीने में रोड बना दूंगा। मुझे डीसी साहब ने बोला था जब ये काम लेने लगे, उन्होंने मना किया था ये वाला काम नहीं लेना, ये काम आपसे नहीं होगा, वो डेंजरस है। मैंने कहा मैंने लाइफ में वही काम करना है जो कोई नहीं कर सकता, वही चैलेंज लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूं, आप लोग